आज विधि व्यवस्था के संबंध में ये बृहत बैठक थी, जिसमें कि एसएसपी साहब, एसपी नौगछिया, हमारे सभी एसडीओ, सभी एसडीपीओ, सभी थाना प्रभारी, सभी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी सभी लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही सभी बीडीओ, सभी सीओ, यानी पूरा जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी के साथ सभी अधिकारी उपस्थित थे। इसमें हम लोग आगामी चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग का कई निर्देश प्राप्त हुआ है एवं विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम लोगों ने बृहत रूप से अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है। और इसके अतिरिक्त हमने भू विवाद पर भी उत्पाद के कई मैटर्स आते हैं, यानी शराबबंदी को बृहत तरीके से लागू करने के लिए, और निर्वाचन के संबंध में भी कई निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी वोटर वोट करने से नहीं छूटे, उसके लिए जो उसको वोट करने से ऐसे कोई भी लोग उसको जो रोकता है उसकी सूची बनाई जाए, ताकि पहले वो हम उस पर कार्रवाई कर दें, ताकि चुनाव के दिन कोई समस्या नहीं हो। और मुझे विश्वास है कि हमारी पूरी टीम एक साथ मिलकर काम करेगी और काफ़ी अच्छा काम करेगी। सर, देखिए, आसन्न लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जितने भी हमारे थाने लगते हैं झारखंड की सीमा से, विशेष तौर पे दो जिलों से हमारी सीमा है, गुड्डा और साहेबगंज, और उन सभी चेक पोस्ट का दौरा किया गया है। और वहाँ पे हम लोग दो कंपोजिट चेक पोस्ट स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें कि जितने भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, सभी के प्रतिनिधि वहाँ पर रहेंगे। और जो भी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरेंगी या जो लोग उनके गुजरेंगे, तो उनकी प्रॉपर चेकिंग हो और हर दृष्टिकोण से उसकी चेकिंग हो, चाहे वो प्रोहिबिशन के एक्साइज के ऑफिसर्स हों या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हों, माइनिंग के ऑफिसर्स हों, जीएसटी के ऑफिसर्स हों, इनकम टैक्स के जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, तो पूरी तरह से उस चेक पोस्ट को हम लोग आने वाले दिनों में फंक्शनल करेंगे। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी अधिस्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ 6 अन्य जगह पर पुलिस के द्वारा भी चेक पोस्ट अभी स्थानीय स्तर से, थाना स्तर से संचालित किए जा रहे हैं। उनको और हम लोग रीइन्फोर्स करेंगे आने वाले दिनों में, ताकि जितनी भी गाड़ियाँ और आदमी आ रहे हैं झारखंड से, उनकी प्रॉपर चेकिंग हो और जो कैश हो, लिकर हो, आर्म्स हो या अन्य कोई कॉन्ट्राबैंड हो, मादक पदार्थ हो, उनके परिवहन पर हम लोग रोक लगा सकें और जो चुनाव है उसको प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उस पर रोक लगे और चुनाव शांतिपूर्वक और पारदर्शी तरीके से हम लोग संपन्न करा सकें। सर, इलाके में देखिए, देरा इलाके में एक एसटीएफ का कैंप स्टार्ट किया गया है, जो कि शंकरपुर देरा में स्थापित है, और 3 भागलपुर पुलिस के द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि एक आपका एक चारी देरा जो बकिया देरा है कहलगांव अनुमंडल में आता है, एक तिलकपुर देरा सुल्तानगंज थाना में आता है, और एक और जो हमारा ये विक्रमशिला पुल है उसके नीचे जो गंगा ब्रिज देरा है, वहाँ पर भी 2 दिनों से एक विशेष पुलिस कैंप स्थापित किया गया है। और इस कैंप की जिम्मेदारी होगी कैंप के पदाधिकारियों और कर्मियों की, कि उस कैंप के आसपास जितने भी देरा के क्षेत्र हैं वहाँ एरिया डोमिनेशन हो, उनको वहाँ के वांछित जो अपराधी हैं उनकी सूची भी उपलब्ध करा दी गई है, वहाँ पर छापेमारी होगी, और उस इलाके में भी कोई भी असामाजिक तत्व तो अपनी गतिविधियां संचालित नहीं कर सके, इस चीज़ को हम लोग इंश्योर करा रहे हैं, ताकि जो चुनाव हो वो शांतिपूर्ण तरीके से।